बांस का ढाबा। सुंदरपुर गांव में एक लकड़हारा जिसका नाम राजू था, वो अपनी पत्नी नैना के साथ रहा करता था। वो दिन भर मेहनत करके ढेर सारा बांस काटा करता था और काटे हुए बांस को बाजार में बेचा करता था, और कटी बांस को ही बेचकर वो अपना घर चलाता था। एक दिन जब वो बांस काटने जा रहा होता है, तब अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना, ओ नैना, तुम भी ना कभी कभी मेरी बात ही नहीं सुनती हो। मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, जरा मेरी कुल्हाड़ी ला कर दो, मुझे बांस काटने जंगल जाना है। ओहो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, अभी आई, जरा ठहरो, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। भगवान जाने ये चिल्लाना कब बंद करेंगे। ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूँ, ये जो बांस बची है उसे तुम अच्छे से रख दो, और जब मैं बांस काट कर लाऊंगा तो एक साथ मिलाकर बाजार में बेच दूंगा। और राजू इतना बोलकर बांस काटने जंगल चला जाता है। जंगल जाकर राजू ढेर सारा बांस काट कर इकट्ठा कर लेता है। चलो, बाजार में बेचने के लिए इतना बांस तो काफी है, और घर पर भी मैंने थोड़ी सी बांस रखी हुई है, उसे मिलाकर मैं बाजार में बेच दूंगा। अब घर चलता हूँ, शाम होने को है, आखिर बाजार भी तो जाना है। राजू काटे हुए बांस को अपने सिर पर रखकर घर के लिए निकल जाता है, और घर पहुँचते ही अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना जरा सुनती हो, मैं जा रहा हूँ बाजार ये बांस बेचने के लिए, तुमने जो अंदर से बांस रखी थी वो मुझे लाकर दे दो, उसे मैं साथ में बेचूंगा। हाँ जी, ये लो, और एक भी बांस नहीं बचनी चाहिए, सारे के सारे बेच कर ही आना। राजू बाजार चला जाता है, जहाँ राजू अपने सारे कटे हुए बांसों को बेचकर घर लौट जाता है और अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना जरा जल्दी खाना लगा दो, मैं सुबह से काम करते करते थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। इसी तरह राजू हर दिन बांस काट कर बाजार में बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने राजू से कहा, अजी सुनते हो, आज मैं भी आपके साथ बांस काटने के लिए जंगल जाऊंगी, ऐसे आपकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है भाग्यवान, तुम तो अपनी ही मनमानी करती हो, चलो अब देर हो रही है। और फिर दोनों मिलकर जंगल चले जाते हैं, जहां राजू बांस काट कर नैना को देता, और नैना उस बांस को इकट्ठा करती है। बांस काटते हुए नैना और राजू को घर आने में देर हो जाती है। बहुत सारे बांस काट लिया हूँ, अब घर चलता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमें चलना चाहिए। राजू और नैना अपने कटे बांसों को सिर पर उठाकर घर लौट रहे होते हैं। वैसे ही राजू को रास्ते में भूख लग जाती है, और राजू नैना से कहता है, ओहो नैना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ओहो, आज तो मैं भी घर पर नहीं थी, आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं गांव में ढाबे में खा लूंगा। फिर राजू और नैना दोनों गांव के ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, जहां नैना को वो ढाबा देखकर एक तरकीब सूझती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा ही ढाबा खोल दे जो बांस की बनी हो। हम दोनों मिलकर एक बांस का ढाबा बनाएंगे, और उस ढाबे में मैं स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचूंगी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस ढाबे के पास एक जगह है, हम दोनों मिलकर उस जगह में एक बांस का ढाबा खोलेंगे। नैना की बात सुनकर राजू अगले दिन अपनी कटी हुई बांस से एक नया ढाबा खोल लेता है। फिर उसकी पत्नी उस ढाबे में स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू करती है। इस ढाबे की बात चारों तरफ फैल जाती है, जिससे सारे गांव वाले
राजू और नैना के ढाबे पर खाने के लिए आने लगे। आइए आइए इस नए ढाबे पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए। देखते ही देखते वहाँ गांव वालों की भीड़ हो जाती है। जहाँ गांव वाले, राजू भाई मुझे दाल मखनी और रोटी दे दो। हाँ बहन जी, मुझे भी दाल और भात, उसके साथ स्वादिष्ट सब्जी भी दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी आपको गरम गरम खाना देता हूँ। और इस तरह राजू और नैना के ढाबे पर भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर नैना कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि अगर हम दोनों भी एक ढाबा खोल दें, तो वो ढाबा चलने लगेगा। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए तो सारे गांव के लोग हमारे ही ढाबे पर आ रहे हैं। राजू और नैना स्वादिष्ट खाना बनाकर सारे गांव वालों को उस ढाबे पर खिलाते हैं, जिसे देखकर बगल के ढाबे वाले मालिक, जिसका नाम राम बहादुर था, वो राजू और नैना के ढाबे पर भीड़ देखकर जलने लगा था। अरे ये क्या, जब से ये राजू ने ढाबा खोला है तब से मेरे ढाबे पर एक दो ग्राहक ही आ रहे हैं। सारे के सारे ग्राहक तो उस राजू के ढाबे पर जा रहे हैं। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। मैं अभी अपने आदमियों को बोलकर इसके ढाबे का सत्यानाश करवाता हूँ। हाँ तुम सबसे मुझे काम है, मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम सब बिल्कुल वैसा ही करना। रात होते ही ये राजू के ढाबे को जलाकर राख कर देना। तब इसे पता चलेगा मेरे बगल में ढाबा खोलने का नतीजा क्या होता है। ठीक है मालिक, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। राम बहादुर अपने आदमियों से कहकर रात होते ही राजू और नैना के ढाबे पर आग लगा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह जब राजू और नैना ढाबा खोलने आते हैं, तब वो अचानक देखते हैं, अरे ये क्या भगवान, हम तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। ये हमारे ढाबे को किसने जलाकर राख कर दिया। हाय रे हाय, कीड़े पड़े जिसने मेरे बनाए हुए ढाबे को जलाकर राख कर दिया। भगवान उसका कभी भला नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा ढाबा तो जलकर राख हो गया है। रो मत नैना, मैं कुछ सोचता हूँ। और फिर वो दोनों मायूस होकर आगे की सोचते हैं, जहाँ राजू को उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है और नैना को अपनी तरकीब कहता है। नैना मायूस मत हो, मैंने कुछ सोचा है। हम दोनों मिलकर फिर से एक नया ढाबा खोलेंगे। मैं कल ही जाकर ढेर सारे बांस काट कर लाऊंगा और फिर से पहले जैसा ढाबा बनाऊंगा। तुम उदास मत हो, इसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। जब ढाबा बन जाएगा तो क्यों ना एक रात तुम आकर ढाबे पर पहरा देना, अगली रात मैं आकर पहरा दूंगा, जिससे हमारे ढाबे को कोई नुकसान न पहुंचा सके। और इस तरह राजू अपनी पत्नी को पहरा देने के लिए कहता है और अगली सुबह राजू ढेर सारे बांस काट कर फिर से दोबारा मेहनत करके एक बांस का ढाबा बना लेते हैं। और फिर पहले जैसे ही नैना उस ढाबे पर अपने हाथ से बने स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू करती है। आइए आइए हमारे ढाबे का स्वादिष्ट खाना खाइए। हाँ आइए आइए, भाई बहनों एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। और इसी तरह फिर से राजू और नैना के ढाबे पर लोगों की भीड़ जम जाती है। देखा नैना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम उसी तरह रोते रह जाते तो आज हम दोनों फिर से ये ढाबा नहीं खोल पाते। हाँ जी, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और इस तरह फिर से राजू और नैना अपनी मेहनत करके ढाबे पर काम करने लगे और रात होते ही एक एक करके राजू और नैना उस ढाबे की निगरानी करने लगे, जिससे फिर कभी दोबारा राम बहादुर उसके ढाबे को कुछ नहीं कर सका।